पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बीच शोएब अख्तर का आया बयान, कतर की राजधानी दोहा में भी कंगना रनौत के रिएक्शन की फजीहत। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं और लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की, साथ ही जल्द ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है, साथ ही उन्होंने भारत सरकार द्वारा तुरंत लिए एक्शन की भी सराहना की है। शोएब अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा, पैगंबर मोहम्मद साहब की इज्जत और उनका वकार हमारे लिए सब कुछ है, हमारा जीना मरना कुछ भी करना केवल उनके लिए है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी पर निंदा व्यक्त करता हूं और साथ ही भारत सरकार द्वारा तत्काल लिए गए उस फैसले की भी सराहना करता हूं जिसमें पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा कतर एयरवेज के सीईओ के स्पूफ वीडियो को सच मान लेने पर कतर की राजधानी दोहा से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। दोहा न्यूज में भी कंगना रनौत द्वारा दिए गए रिएक्शन की भारी फजीहत होती दिखाई दे रही है, जिसे दोहा न्यूज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। दोहा न्यूज ने लिखा, एक नकली वीडियो जिसमें कतर एयरवेज के सीईओ को हालिया बहिष्कार कॉल का जवाब देते हुए दिखाया गया है, ऑनलाइन वायरल हो गया है। एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत को नकली वीडियो के लिए गुस्सा होने पर ऑनलाइन भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दोहा से इस रिएक्शन पर जनता ने भी अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया यूजर सुलेमान लिखते हैं, कंगना ने भारत की बेइज्जती कराई है, भारत सरकार को उनसे सारे अवार्ड्स वापस ले लेने चाहिए। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आप इनको इतना सीरियसली मत लो क्योंकि इनको यहाँ भारत में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। गौरतलब है कि देश भर में मुसलमान इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की मांग है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने 2 FIR कर कुल 32 लोगों को आरोपी बनाया है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि पैगंबर मोहम्मद मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।